सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज मैं 10 बजे जगा हूँ सुबह के, शाम को थोड़ी तबीयत सी खराब थी मेरी, तो अब 10 बज गए। तो भाई मौसम में परिवर्तन कुछ ऐसा हो रहा है, नीचे रहते हैं अपन, अंदर रहते हैं, सर्दी लगती है, सर्दी लगती है, बहुत तेज सर्दी लगती है और मेरे पर आते कान ठंडने लगते हैं। अब ऊपर आ गया मैं, अब थोड़ा आराम से मिल रहा है। हाँ यार ऐसा मौसम चल रहा है, तबीयत भी ऐसी हो रही है क्या, उनमें मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ना अभी नहीं मैं अभी तक ये धूप में रख रखा है अभी हमने पानी, अभी गर्म हो जाए, ये सोच रहे हैं हम जब जाके नहाएंगे हम, पर हो नहीं रहे अभी गर्म। ठंडे पानी से नाले इसलिए मेरे कान करने लगे। So, अभी हम लोग निकल रहे हैं बाजार, मम्मी को कुछ पैक का सामान लेके आना है। सो मम्मी ने कहा है कि सामान लेके आओ, आज तुम फ्री भी हो सुबह जिम गए और लग गई है और नहा भी लिया मैं, वही वाला सिस्टम है, आलसी दिन और उससे ज्यादा आलसी हम। चले भाई चलते हैं, हवा चलने लग गई ठंडी ठंडी। बात तो दोबारा टाइमिंग चेंज डलवा दी भाई मैंने, हमें क्यों दोबारा कर और क्या काई पता, ये कह रहे हो सब गाड़ियों में दिक्कत आ रही है भैया टीवीएस की, मैं तो कह रहा हूँ टीवीएस की लोई मत भाई, हर महीने दिक्कत आ भाई, कचो ना कचो दिक्कत ही आती है, मैं तो परेशान हो गया भाई बहुत तगड़ा। इलेक्ट्रिक वाली कोई बात हो, इलेक्ट्रिक वाली भी मतलब, लेकिन यार टीवीएस में मतलब जरूरी, स्पोर्ट ही तो है कोई सुधार कौन, कंपनी कह रही है कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, इसमें कुछ है नहीं, कुछ परेशान नहीं है इतना इस गाड़ी से। टीवीएस वालों कटवानी पड़ेगी अभी गाड़ी को, ये है छगन कबाड़ी और इस भैया ने इसको ठीक कर दिया है, हम इसका नाम है चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे भाई टीवीएस की गाड़ी से तो मैं इतना परेशान हो चुका हूँ क्या ही बताऊँ, ऊपर तक बोलते हैं ना, वो परेशान हो गया मैं इस गाड़ी से, तो मैं सोच रहा हूँ बेटू कोई खरीद रहा हो तो बता देना भाई, नहीं तो मैं इसको कुएं में पटक दूंगा या कटवा दूंगा छक्कन कबाड़ी से, हमारे वहाँ एक छक्कन कबाड़ी रहता है उससे कटवाने की सोच रहा हूँ मैं। हाँ उससे कटवा देंगे ले जाके और वीडियो बना के डाल दूंगा भाई मैं। ये हुई ना बात। चलो भाई अपन को मेथी और काकड़ा दे दो, मेथी और काकड़ा 10 किलो मेथी दे दो और 5 किलो काकड़ा। ओके एक से काटो यार हमेशा, एक भी रुपये कम को कर रहा। स्टाइल क्यों मार रहा है तू? बाको अमरूद को लाया तो बेचारा पापा को गेट खटखटाया है। पापा अमरूद खाएगा क्या तू? चाचू को फोन कर दे। खुद ही गाना गा। So guys, सामान वामान लेके तो आ गया मैं सारा, मम्मी जो भी मंगाया था, तो अभी मेरे को जिम के लिए निकलना है, उससे पहले कहीं और जाना है मुझे एक जगह पे, तो उसको दिखाता हूँ वहाँ पे, मतलब बताऊंगा नहीं वहीं पे चल के पता लगेगा आपको, तो चलो वहीं पे चलते हैं सीधा। बैग पैक कर लेता हूँ, प्री वर्कआउट रख लेता हूँ उसमें और मील ले लेता हूँ। सो भाई अभी मैं गायों को ये खिलाने आया, मतलब मैं क्या ही, हम दोनों आए खिलाने के लिए गायों को, तो उधर उधर की साइड डाल, अरे लड़ जाएंगे। इधर भी एक ले 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 तो भाई यहाँ पे भी है छोटी छोटी गाय, इधर भी है तो इनको भी खिला दिया अपन ने, यहाँ का तो उन्होंने बनाया क्या, उधर भी गायों को खिला दिया, तो भाई अपने पास है तो गायों को खिलाने में कोई अर्ज नहीं है, ऐसे कभी कभी धर्म का काम भी कर लेना चाहिए, जो हमारे पास है उसमें से थोड़ा बहुत तो खिला ही सकते हो, बस अब तो खत्म हो गया।
इधर पड़े थोड़े से, इनको और डाल लेते हैं। भाई अभी मैं यहाँ पे जूस पीने आया था नीलेश भाई की शॉप पे, उपकार जूस सेंटर पे, पर ये भाई है ना जूस नहीं बनाता है भाई, ऐसे बातों में चारा लगा लेता है। मेरे को एक केला दे दिया इन्होंने खाने के लिए, गए इसको खा के जिम चल जा, फिर बाद में पिलाएंगे जूस। देखो बिजनेस में ऐसे डील करता है बंदा। देखो तो गाइस आप बताइए इसका चश्मा कैसा लग रहा है? 2015-16 वाली फीलिंग आ रही है। हाँ पहले पहले लगाते थे ऐसे, तो चले वर्कआउट कर ले, कितने बात करेंगे एक पे चल ठीक है ना भाई। ओके जानू चश्मा डाले पर तू अरे भाई वही मिला लेंगे तो यहाँ चलिए ए पी के चलते हैं ए पी वर्कआउट। सुनो घट्टे भैया काम के थोड़ी थे क्यों आया तू? आया था कुछ काम से। तो भाई जिम पहुंच चुके हैं और काफी लेट हो चुका है, मैं और आरुष आज मिल गया था पर वो फिर से चले गया पता नहीं कहा। तो हमको बाई ट्राई का वर्कआउट करना है, प्री वर्कआउट छोड़ रहा हूं, प्री वर्कआउट पी लिया था हमने नीलेश की शॉप पे, फटाफट चलो रसगुल्ला है अच्छा जूते पहन के घूम रहा है घर में यार, ये देखो घर में जूते पहन के घूमता है ये बंदा हमारा। अच्छा वर्कआउट करके आ चुके घर, अभी मम्मी की एक ख्वाहिश है हमसे कि हमको रोटी बनानी है अपन दोनों को, ठीक है आज हम दोनों को रोटी बनानी है। चलो तो चलो आज रोटी बना के देखते हैं। आटा लगा पड़ा है यहाँ पे, ये लग रहा आटा फिर क्या सोच हमसे एक देंगे लो, प्लान कैंसिल हो गया। हम तो सोच रहे हम बनाएंगे आज रोटी, हमारी वीडियो बन जाती मस्त सी। ये कहना चाहोगे पुराना लाइन कर लूंगा। पुराने हो क्या? कितने पुराने? किसी की भी सब्जी बना देते हो ना आप, तड़का पनीर मटर मसाला और सारी जो भी है। और कौन कौन सी पनीर होती है? पनीर दो प्याजा, शाही पनीर, मटका पनीर, आलू पनीर। पनीर दो प्याजा नहीं बनाते क्या आप? पनीर पटाखा ये कौन सा क्या पटाखा पीढ़ी तो सुनी है मैंने, 502 पटाखा। नहीं नहीं अलग सब्जी है यार, कभी ट्राई करके देखिए। अच्छा ये है क्या चिली पनीर, चिली ड्राई वाली? सो गाइस खाना वाना खा के हम फ्री हो चुके हैं, इसमें अगर हम पानी क्योंकि मैं रात पीऊंगा अभी वीडियो एडिटिंग करूंगा ना, तो उसके लिए मुझे मदद चाहिए इस पानी की बहुत ज्यादा, क्योंकि प्यास लगती है ना, तो हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। रात में गर्म पानी करके लाऊ और वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं। और अभी जल्दी से हम एक शॉर्ट सी ट्रिप करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बस उसमें काफ़ी मज़ा आएगा आपको। जाता हूँ मैं हमेशा ऐसे, पहले सोचता रहता हूँ फिर बताने के टाइम आता है तो भूल जाता हूँ हमेशा। तो गाइस बस आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में मस्त व्लॉग के साथ। आप 1K करवा दो फटाफट, फिर मैं ट्रिप शुरू करूँगा बहुत लंबी लंबी। ओके ओके गाइस, ओके गाइस जल्दी करवा दो, टेक केयर, बाय।